हेलो फ्रेंड्स कैसे सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे जैसे कि आपने थंबनेल देखा और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम जो सीखने वाले हैं पावर बूट सीक्वेंस तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं मोबिकर सल्यूशन फोन फिक्स हैदराबाद से अभी नेक्स्ट बैच हमारा ऑनलाइन का बीस सेप्टेम्बर से है और जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे डेमो वीडियोज भी हमने डाले हैं और ये बोर्नियो का नया अपडेट आ चुका था जैसे कल मैंने बताया था आपको और ये वीडियो देखिए आप लोग अगर से आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो जाकर देखिए सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा और रही बात डेमो वीडियो की यहाँ पर रेडियो ऑफ का एक सोल्यूशन मैंने डाला है इसको जाकर के देखिए इसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा तो चलिए देर ना करते हुए हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर जैसा कि फ्रेंड्स आपने इस तरीके से देखा होगा कई बार एक एसी के पास इस तरह से काफी सारे कॉइल्स लगे होते हैं जिसको हम बक कॉइल्स भी कहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या सप्लाई चेक करनी है कितनी सप्लाई चेक करना है कितना वोल्टेज आना चाहिए और वो कॉइल्स क्या काम करते हैं उसका सप्लाई कहाँ पे जाता है ये सारा चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो बहुत सारे हैंडसेट में आपको डबल पावर ट्रिपल पावर भी मिलते हैं वो आगे जा करके हम बताएंगे आपको और हमारे कोर्स में सारा डीप लेवल पे हम सिखाते भी हैं ये आप देख सकते हैं रेडमी नोट एट प्रो का हैंडसेट है और ये हमने उसका पीसीबी लेआउट हमने यहाँ पे निकाल लिया है जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हम बॉर्नवे के अंदर आईसी डायर्ड वैल्यू में आप जाकर देखोगे तो इस तरीके से आपको डायड वैल्यू भी वहाँ पे मिलती है लेकिन आज हम जो तो सीखने वाले हैं आ जाते हैं सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं ये इसका लेआउट होता है लेआउट में हमको सारे कॉम्पोनेंट्स की लोकेशन पता चलती है कि कौन सा आईसी कहाँ पे लगाया है जैसे आप देख सकते हैं ये पावर आईसी U4201 ये पावर आईसी का नंबर है U से जितनी भी होती हैं सारी आईसिया होती हैं J से कनेक्टर होते हैं L से कॉयल C से कैपेसिटर्स R से रजिस्टर्स टीवीएस या D से डायोड आपको देखने मिलेंगे और X से आपको क्रिस्टल देखने को मिल जाएगा इसमें तो यहाँ पे X से या Y से भी मिलता है तो इस डायग्राम में Y से यहाँ पे मेंशन किया गया है तो पावर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस दस कॉयल यहां पे लगे हैं जो कि यहाँ इमेज में भी हमने बताया है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस अब ये दस क्वल पे हम देखेंगे क्या क्या वोल्टेज आपके आते हैं तो यहां पे फ्रेंड्स वोल्टेज चेक करने के लिए हम या तो चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पावर की क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत डीपली लेवल पे मैं क्लास में बताता हूं मेरी ऑनलाइन क्लास में कैसे आपको बक्स सप्लाई चेक करना है काफी बार यहां पर वोल्टेजेस बनते हैं काफी बार वोल्टेजेस नहीं बनते हैं इस चीज को बॉर्नियो ने भी नहीं बताया है आपको यहां पर कैसे चेक करना है तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो ये आगे चल कर देखते हैं ये देख सकते हैं ये बी साइड का इमेज है हमारा और ये ए साइड का ये सीपीयू साइड का इमेज है और ये बी साइड का Redmi Note 8 Pro पावर गुड सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी है सबसे पहले फ्रेंड जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे या फिर पावर की का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वीपीएच वोल्टेज यहाँ पे बन जाने चाहिए पावर एसी के पास में आपको चेक करने हैं वीपीएच वोल्टेज आप डीसी टू डी के पास भी देख सकते हैं ये जैसा हमारा चार्जिंग एसी है डीसी टू डी सी यहाँ पे भी आप कैपेसिट इस कॉल पर या कॉयल के पास इस कैपेसिटर्स पे आप ये वीपीएच वोल्टेज चेक कर सकते थ्री पॉइंट सिक्स पे बनने हैं आपको और इसमें जो चार्जिंग ए सी लगा एम टी सिक्स थ्री सिक्स जीरो पी ये इसका चार्जिंग एसी होता है सीपी जो इसमें लगा है वी और यहाँ पे यू एफ एस यूज की गई है और पावर एसी जो इसमें लगा है एम टी सिक्स थ्री फाइव नाइन वी के पी तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे वोल्टेजेज चेक करना है अगर आप कुल टेस्टिंग कर चुके हो अगर आपका हैंडसेट में कोई शॉर्टिंग नहीं है लीकेज नहीं है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले वीपीएल वोल्टेज इस वाले कैपेसिटर पे चेक कर लेने हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है फ्रेंड्स पावर बूट केबल पावर सिस्टम ओके इस तरीके के नाम से फॉल्ट एन इस और ऑटो ऑन ये सब मैं क्लास में बताऊंगा आपको पावर एसी को इतनी सारी वोल्टेजेस मिलने चाहिए तब जाकर वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने पर फिर वो अपने सिग्नल्स सीपीयू को देता है और सीपीयू से कुछ सिग्नल फिर पावर को आते हैं तो ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप होता है बहुत डीप लेवल पे ऑनलाइन क्लास में मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन में अगर आप चाहो तो हमसे जुड़ सकते हैं हमारा क्लास 20 सितंबर से नेक्स्ट बैच अगर चाहे तो आपकी मर्जी है अगर जुड़ना चाहते हैं अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है अगर पचास साठ हजार जाकर आप इंस्टीट्यूट में दे रहे हो उसके बाद भी आपको ये बनाना नहीं आता है इसकी नॉलेज नहीं है तो आप मोबी केयर सोल्यूशन फोन फिक्स हैदराबाद टीम से जुड़ सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे वीपीएच वोल्टेज आपको यहाँ पे चार वोल्टेजेस चेक कर लेने हैं और यहाँ पे आसपास जो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं आपको इसमें काफी सारे वीपीएच मतलब यहां पे जितनी क्वाइलें होती हैं उतने यहाँ पर कैपेसिटर्स भी होते हैं उनके इनपुट के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीपीएच वोल्टेज इनपुट देते हैं कोई भी आईसी होती है तो ये इसमें जो आईसी पावर ऐसी लगी है एम टी सिक्स थ्री फाइव नाइन वी के पी वीपीपी में भी दो तीन वर्जन होते हैं वी केपी में भी आपके वर्जन होते हैं अगर आप सिर्फ ऊपर का नंबर देखकर ही डालोगे तो आपकी काम नहीं करेगी ऐसी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपको वर्जन नंबर भी देखना होता है जैसा पी एम आई सिक्स थर्टी टू में आपको पांच सौ दो छ सौ दो आठ सौ दो नौ सौ दो इस तरीके के वर्जन आते हैं सिक्स थ्री फाइव सेवन में भी सीआरवी एम आर वी आती है ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग अलग आइसिया देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वोल्टेज वीपीएच इनपुट देने के बाद फ्रेंड्स आपको ये इन क्वलों के पास जो है सबके एक एक कैप्सिटर्स आउटपुट में रहेंगे वहां पे आपको ये सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं तो उसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरे पास इसका डाटा शीट है पावर प्लान है जैसे कि आप ये देख सकते हैं फाइन नाइन एम टी सिक्स थ्री फाइन नाइन जो कि पावर आईसी होती है उसके साथ जो आईसी मिलेगी देखने आपको ये वाली हमारी सिक्स थ्री सिक्स जीरो और इसके साथ एक और पावर प्लान एक छोटी सी और एक पावर आईसी मिलेगी सिक्स थ्री वन फाइव ये देख सकते हैं ये आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पे बताया यूएस बी जैसे ही आप इन करोगे तो पावर डिटेक्शन जो कि टाइप सी से आपका ये हमारा मेन डीसी टू डीसी है एडेप्टर और वीबस लाइन जो होती है हमारी पांच वोल्ट की लाइन जैसे इसमें इन हो जाती है तो यहाँ पर आर जी बी जो हमारी ऊपर लाइट होती है चार्जिंग इंडिकेटर वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है और बैट एफी से वी बैट के वोल्टेज बंद करके एक एलो के थ्रू यहाँ पर वीपैट बैटरी के लिए आते हैं और यहाँ पर फ्लैश करंट ड्राइवर भी इसी के साथ जुड़ के है और यहाँ पर एक हमारा कॉयल होता है स्विचिंग क्वाइल जहाँ पे आपकी वी एस वाई वोल्टेज सिस्टम मतलब चार वोल्ट की सप्लाई बनती है उसके बाद यही वो वाली सप्लाई ये वाले सारे हमारे क्वाइल्स जो कि हमने यहाँ पे आपको बताए हैं देख सकते हैं ये सारे बक क्वाल्स है इन्हीं के पास आपको ये सारी सप्लाइया बनती हैं और इसके थ्रू ये देख सकते हैं वी पी ऑफ रहेगा प्रोसेसर की सप्लाई बन जाएगी प्रोसेसर टू की भी बनेगी वीपी यू ये भी ऑन रहेगी मॉडर्म की सप्लाई सिम डालने के बाद आएगी कोर की सप्लाई ऑन होने के बाद बनेगी ये देख सकते हैं यहाँ पर और जीपीयू जीपीयू ये देख सकते हैं ये भी ऑफ रहेगा और ये आपका मोबाइल जब ट्रिगर करोगे तब आपका ये वोल्टेजेस बनेंगे इसकी जरूरत नहीं होती है तो वी एस वन हमारा बन जाता है वीएस टू मतलब लोअर एल डी ओ और हायर एल डी ओ ये दो वोल्ट की सप्लाई होती है और ये हमारी वन पॉइंट थ्री की होती है यहां अंदर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे वोल्टेजेस भी मिनिमम टू मैक्सिमाइज लिखे होते हैं इसके अलावा रैम की वी रैम की सप्लाई जीरो पॉइंट सिक्स और ये हमारी वन पॉइंट टू ये भी दोनों हमारे सप्लाय यहाँ पर बन जाते हैं ऑन होते हैं ये यहाँ से ये यह रैम में जाते हैं ये हमारा पावर प्लान है इसका सीप होता है सारा स्टेप बाय स्टेप पावर के आउटपुट्स होते हैं कैसे आपकी क्या क्या सप्लाई कहाँ पर जा रही है तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बूट सीक्वेंस बताता हूँ यहाँ पर कैसे आपको चेक करना ये देख सकते हैं ये पावर है ऐसी अगर आप पढ़ेंगे तो सारा आपको भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा नॉलेज देख सकते हैं कौन सी सप्लाई ऑन रहेगी कौन से ऑफ रहेंगे कौन से बनेंगे कौन से नहीं बनेंगे आप देख सकते हैं इसमें कितने मिली uh, एम्पियर की सप्लाई यहाँ पे बनती है तो देख सकते हैं यहाँ पर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड मिली एम्पियर यानी चार पांच एम्पियर के आसपास सप्लाई यहाँ पे बनती है इसमें यहाँ पे वन एम्पियर वन थाउजेंड मिली एम्पियर यानी वन एम्पियर पीएम यू में बनती है जो कि आपके सिम डालने के बाद ये सप्लाई बनेगी तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर ये देखते हैं देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पावर गुड सीक्वेंस होता है तो ये आपको स्टेप बाई स्टेप चेक करना है जैसे बैटरी चार्जर लगा लेते हो और यहाँ पे देख सकते हैं पावर की जैसे प्रेस करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप एक एक सप्लाई है ट्रिगर वन ट्रिगर टू ट्रिगर थ्री होता है ये तीन सप्लाई आपके चार्जर लगाने से ही बन जाती हैं आपकी उसके बाद आपकी ये सप्लाई ये वाली स्टेप बाय स्टेप बननी चाहिए जीपीयू कोर वोल्टेज पीएमआई इनेबल सिग्नल 1.8 ये देख सकते हैं मॉडर्म की सप्लाई और ये हमारी वी एन आर एम डी एस रैम के लिए वी एस टू हायर एल ओ और ये वी डिजिटल रेफरेंस वोल्टेज ये भी और ये सारे स्टेप बाई स्टेप ये वी ए ट्वेल्व जो कि सी पी यू के लिए वी एस वन हायर एल डी ओ वी यू एफ एस यू एफ एस के लिए वी आई एक यूनिवर्सल वोल्टेज होता है ये बत्तीस किलो हर्ट वन पॉइंट एट वोल्टेज के साथ आपकी ये बनती है तो ये आपके जी पी यू को रैम सारे स्टेप बाय स्टेप सारे आपको चेक करने हैं ये आपको हर एक सप्लाई का कैपेसिटर आपको मोबाइल तो आप लास्ट, आप लास्ट सप्लाई होती है कॉन्फिडेंशियल तो ये फ्रेंड ये पावर बूट सीक्वेंस होता है इसको मैं बहुत ही डीपली लेवल पे क्लास में बताता हूँ आपको अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ आपको तो ये है एक बार डायग्राम में भी चलते हैं डायग्राम में भी बता देता हूँ आपको पावर एसी का नंबर होता है फोर टू जीरो वन और अगर आप यहाँ पे आके डायग्राम में सर्च करोगे फोर टू जीरो तो वन ये देख सकते हैं फोर टू जीरो वन ये इसका एक नंबर पेज है काफी सारे पेज होते हैं इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं जैसा ये बक सेक्शन ये हमारा बक सेक्शन हो गया इसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा एल डी ओ सेक्शन इसके बाद अगर, अगर आप नेक्स्ट सर्च करोगे तो ये हमारा कंट्रोल सेक्शन है यहाँ पे एसपीएमआई क्लॉक वगैरह है इसके बाद ये हमारा फ्यूल गेज सेक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद ये हमारा ऑडियो सेक्शन है क्योंकि पावर के अंदर ही ऑडियो होता है और यहाँ पे हमारा जो हमारी क्लॉक की सप्लाई बनती है सिग्नल बनते हैं बेसबैंड क्लॉक आर एफ क्लॉक वाई फाई एन एफ सी और एक्सटर्नल पीएमआई सी ये सारे जो हमारे बत्तीस हमारे छब्बीस मेगा हट्स की सप्लाई जो बनती है यहां से और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो बत्तीस किलो हट्स ये हमारी स्लीप क्लॉक ये भी यहाँ पे सेक्शन है नेक्स्ट अगर आप आओगे तो यहां पर कुछ वोल्टेजेस बनते हैं आपके डीसी एक्सो क्रिस्टल के लिए वोल्टेजेस है इसके अलावा नेक्स्ट करेंगे तो हम वापस से फिर बक सप्लाई में आ जाते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड बक में अगर आप पॉइंट करेंगे तो ये देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस यहाँ पर क्वाइल्स है बक क्वाइल्स अगर वही चीज हम यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस यहाँ पे भी दस सप्लाई यहाँ पे बन रही है तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे कैसे आपको सप्लाई चेक करनी है कैसे बनाना है इस मॉडल का तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं हालांकि हर एक मॉडल में आपको अलग अलग तरीके से चेक करना होता है सेम सप्लाई नहीं होती है इसमें डिवाइड हो जाते हैं और एम में कुछ अलग होता है कॉलकम में कुछ अलग होता है सैमसंग होता है उसमें कुछ अलग तरीके से आपको मोबाइल को बनाना होता है तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है सारी चीज लाइव आपको अगर सीखनी है तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ओनली वन फोर ट्रिपल नाइन फीस रखी गई है बीस सितंबर से हमारा ऑनलाइन बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी रहेंगे और साथ ही साथ वीडियोस भी मिलेंगे काफी सारे और आप छह महीने तक इन सारे वीडियोस को फॉलो करके सारी चीज सीख सकते हैं।, एक का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और मेरे पास जो ट्रेनिंग करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वी यानी हमारा हायर रेलियो टू पॉइंट जीरो यहाँ पे बनती है सप्लाई ये हमारी वी डी डी कोर जीरो पॉइंट एट ये सीपीयू के लिए सप्लाई होती है फ्रेंड्स कोर वोल्टेजेस कोर सेक्शन के लिए सीपीयू के और यहां पे दो कॉल आपस में कनेक्टेड है फोर टू जीरो सिक्स फोर टू जीरो सेवन जो के जीपीयू सेक्शन ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट सेक्शन जो होता है सीपीयू का जीपीयू सेक्शन उसके इंटरनल सेक्शन को वर्क कराने के लिए ये वोल्टेजेस होने होते हैं अब यहां पर प्रोसेसर बी और प्रोसेसर एल मतलब फ्रेंड्स सीपीयू में जो दो सीपीयू होते हैं उसमें आपको बी वाले सीपीयू के लिए जीरो पॉइंट एट और एल वाले सीपीयू के लिए जीरो पॉइंट 8 वोल्टेज दोनों यहाँ पे इस कॉइल से ये वोल्टेज बनेंगे और इस कॉइल से ये वोल्टेज बनेंगे इसके मॉडर्न की सप्लाई हमारी जीरो फोर से यहाँ से देख है, से, से, सकते हैं यहां पर तो जीरो पॉइंट सिक्स से वन पॉइंट टू के आसपास आपको अलग अलग हैंडसेट में किसी में जीरो पॉइंट सिक्स भी मिलता है किसी में वन पॉइंट टू वन पॉइंट वन भी मिलता है एस रैम डी रैम इस नाम ऐसे नाम से आपको चेंज होते रहेंगे वहां पे आपको सप्लाई भी बदलती रहेगी तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा यहाँ पर रैम का सप्लाई और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा एल फोर टू जीरो नाइन जो कि वी एस टू हमारा लोअर एल लौ है जिसमें आपके वन पॉइंट थ्री वोल्टेज बनते हैं और ये वापस से ये पावर एसी में ही आता है और ये जो सारे सप्लाई हम देख रहे थे फ्रेंड्स ये सारा सीपीयू में जाते हैं और वी भी पावर में रिटर्न आता है ताकि उसको एल सप्लाई बनानी है इसके अलावा फ्रेंड्स ये तो हमारा इनपुट सप्लाई था वीपीएच और अब चलते हैं हम सीपीयू की सप्लाई की तरफ तो हमारा नेक्स्ट जो था फ्रेंड्स सीपीयू वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं तो सीपीयू के पास आपको फ्रेंड्स और कुछ सिग्नल्स भी चेक करने हैं जैसा कि हमारा सिस्टम रिसेट ये भी आपको चेक करना है जब पावर ए सी को ये रिटर्न सिग्नल मिलता है सीपीयू से वन पॉइंट एट का इस वाले एम में एम में आपको पावर सीपीओ से पावर को सप्लाई मिलती है और कॉलकम में जो होता है हमारा पीएस होल्ड का सप्लाई बनता है और यहाँ पर एम में आपको वॉसडॉक का भी सप्लाई बनेगा वन पॉइंट एट इस वाले टेस्ट पॉइंट पे आपको चेक करना है टीपी थ्री फोर वन टू नाइन और ये जो है हमारा एक एनसी कैपेसिटर यहाँ पे आपको मिलेगा मतलब दो टेस्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे वन पॉइंट एट का वोल्टेज आपको चेक करना है इसके अलावा फ्रेंड जो हमारा मेन पावर ए था आपको यहाँ पर स्लीप क्लॉक बत्तीस किलोहट्स आपके पास अगर डीएसओ है तो आपको बत्तीस किलो हर्ट्ज भी यहाँ पे चेक करने हैं जीरो पॉइंट सिक्स के आसपास वोल्टेज मिलेगा इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई ये वाली पी एम आई क्लॉक बीबी क्लॉक जिसको हम कहते हैं छब्बीस मेगा हर्ड्स यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा आपको जो कि आर सिक्स नाइन सेवन जीरो के नाम से मिलेगा तो ये भी आपको चेक करनी है इस रजिस्टर की वजह से सेट भी हो सकता है आपका अगर एक रजिस्टर यहां से मिस हो जाए तो ये मैं आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ आर सिक्स नाइन सेवन जीरो चलिए आर सिक्स कर लिया ये देख सकते हैं क्लोज टू AP यानी सीपीयू के पास में बता रहा है यहां से ये यह सप्लाई देख सकते हैं ये आपका छब्बीस इस मेगा इसमें इन होती है पावर एसी से तो ये देख सकते हैं ये सप्लाई हमारी आगे जा के यहां पर यू एफ एस में भी जा रही है और ये सप्लाई हमारी यहाँ से पी एम आई सी सी क्लॉक मतलब बेसमेंट क्लॉक जिसके नाम से जानते हैं SOC सी सिस्टम चिप एक्सो जिसे हम कहते हैं ये एक्सो का सेक्शन है सारा क्रिस्टल का ये सेक्शन है जिसमें दो इनेबल सिग्नल आते हैं जीरो और वन और ये देख सकते हैं आपका ये सारा आपका यहाँ से एक्सटर्नल पी एम आई सी के लिए एन एफ सी के लिए वाई फाई के लिए और आर एफ क्लॉक ने तो आपकी डब्ल्यू टी आर एच डी आर ऐसी जो होती है इसमें तो मीडिया है या फिर आपका बेसमेंट क्लॉक ये आपका ये यहाँ पे भी अगर रजिस्टर की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये रजिस्टर आपका लगा हुआ है यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं रजिस्टर का नंबर रजिस्टर का नंबर आपका फ्रेंड्स आर सिक्स नाइन सेवन जीरो तो 6970 हमारा जो है यहाँ पे लगा है देख सकते हैं ये और यही मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है सेवन जीरो यहाँ पे यह नीचे लगा है यहाँ पर तो फ्रेंड्स ये एक पावर बुड सीक्वेंस है इसको अच्छे से समझना होगा आपको डेड मोबाइल को जब आप रिपेयर करोगे तो सारा चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है और भी बहुत कुछ है इसमें चेक करने के लिए जो कि हम क्लास में फॉल्ट फाइंडिंग बताते हैं ये छोटा सा वीडियो है आपको बस डेमो क्लास समझ लीजिए आप लाइव क्लासेस हम मदरबोर्ड में पूरा चेक करके आपको बताएंगे हमारी ऑनलाइन क्लास में कहाँ पे क्या क्या चेक करना है और कैसे चेक करना ये है ये इंपॉर्टेंट है डीएसओ हो या फिर मल्टीमीटर से सारी चीजें किलोहट्स मेगा हट्स एल डी ओ और हमारे बक सप्लाई ये सारे आपको डेड मोबाइल में चेक करने होते हैं और कहाँ पे चेक करना है इस मॉडल में तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया बाकी अगर आपको ये समझ आया है या नहीं आया पता नहीं एडवांस लेवल की क्लासेस होती है हमारी डबल पावर और ट्रिपल पावर में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको भी समझना होता है आपको और डेड मोबाइल में चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं सबसे तो पहले शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए मोबाइल में लीकेज नहीं रहना चाहिए और लो बुटिंग या हाई बुटिंग में आपका हैंडसेट नहीं जाना चाहिए और प्रॉपर आपका सेट तभी वर्क करेगा तब सारी चीजें सही होगी वोल्टेज सारे सही बनेंगे और आईसी हमारी सही होगी और प्रॉपर रिवॉल्व की होगी और कोई कंपोनेंट मिसप्लेस या मिसिंग नहीं होगा और हमारे कॉइल्स और फीडबैक पिन होते हैं हमारे बक सप्लाई की फीडबैक लाइनें होती हैं वो भी सही होनी चाहिए ग्राउंड सही होने चाहिए सेंसिंग लाइनें सारी सही होनी चाहिए किलोहर्ट्स मेगा की फ्रिक्वेंसी प्रॉपर बननी चाहिए तब जाकर के आपका हैंडसेट ऑन होता है तो इससे भी बहुत ही डीपली लेवल पे आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में सीखने मिलेगा 20 सितंबर से, से हमारा ऑनलाइन क्लास है और डेली दो घंटा साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह क्लासेस होगी हमारी और अगर आपको डीप लेवल में सीखना है स्केमेटिक की नॉलेज आपको लेनी है अब देख सकते हैं स्केमेटिक में बहुत कुछ होता है आपको सीखने के लिए समझने के लिए एक एक लाइनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कब कौन सी चीजें आपको चेक करनी है कहाँ पे क्या चेक करना है और MTK और कॉलकम बहुत कुछ डिफरेंस होता है सारा चीज मैं आपको बताऊंगा सेंसिंग लाइनें लाइनें हो करेंट सेंस की हो या फिर या फिर ओवीपी बहुत सारी बाईपास कर सकते हैं या किसी को आपको बाईपास सकते जैसे पी एम एम टी सिक्स जीरो से दो आपके रैम के सप्लाई यहाँ से जनरेट किए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अदरवाइज आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा इसे भी कुछ एल डी यहाँ से बनाए जा रहे हैं देख सकते हैं रैम के लिए और वो काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट टच टे, पॉइंट या फिर टच पॉइंट टच पैनल के लिए और भी बहुत सारे यहाँ से सिग्नल्स आउट होते हैं तो दो दो पावर होते हैं या तीन पावर होते हैं तो कैसे काम करते हैं क्लॉक तो डाटा एस क्लॉक हो गया या फिर एस कम्युनिकेट हो गया आपका कैसे काम करता है स्टेप बाई स्टेप आपको बताया जाएगा तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे नंबर है ये देख सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट करिए डिटेल ले लीजिए अगर आपको चिप लेवल एडवांस लेवल पे सीखना है दुकान का काम आपको छोड़ना नहीं है अपने शहर से बाहर जाना नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स पंद्रह दिन बीस दिन जाओगे आप सारी चीजें कैच नहीं कर पाओगे गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं क्योंकि हजार से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं तो फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास आपके साथ रहेगी जब भी आपको डॉट आए तो आप रिवाइज करके देख सकते हो दोबारा देख सकते हो उसको समझ सकते हो क्योंकि क्लास में आप एक ही बार टीचर आपको बताएगा एक से दो बार पूछेंगे तो डांट देंगे चालीस पचास स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठोगे तो आप क्वेश्चन भी नहीं करोगे कहीं सर डांट ना दे आपको तो फ्रेंड्स यही चीज है और मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट भी होता है आपको टेलीग्राम सपोर्ट भी होता है तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा आपको अगर किसी लेटेस्ट मॉडल का आपको बूट सीक्वेंस चाहिए अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी लेकर आएंगे और हमारा ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीस सेप्टेम्बर से हमारे क्लासेस है व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं अगर आपको स्किल की नॉलेज है आईसी वगैरह लगा लेते हो सीपी वगैरह खोल लेते हो तो ये मेरा ऑनलाइन कोर्स लेकर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अगर से आपको स्किल का भी काम सीखना है तो भी मुझे कांटेक्ट करें बहुत कम फीस और कम दिनों में आपका स्किल में क्लियर करा दूंगा ब्लैक पेस्टेड हेड व्हाइट पेस्ट डबल लेकर सीपीयू कोई भी सीपीयू आप डाल सकते हैं फोर जी फाइव का निकाल करके रैम सीपीयू सीपीएमसी यूएफएस मदरबोर्ड में जितनी सारी चीजें हैं सब आप निकाल के लगा सकते हो ओनली टेन डेज के अंदर आपका वो भी क्लियर हो सकता है कॉन्टेक्ट करिए मोबाइल केय सोल्यूशन फोन फिक्स हैदराबाद टीम थैंक यू वेरी मच फ्रेंड मिलते इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज थैंक यू वेरी मच